तो देखिए अब आपको ये भी बता देते हैं कौन नए मंत्री के तौर पर शामिल हो सकते हैं, यानी कि जो नई एंट्री हो सकती है मंत्रिमंडल में वो कौन से हो सकते हैं, इनके नामों को लेकर भी चर्चा हो रही है। नोएडा से विधायक पंकज सिंह दूसरी बार विधायक बने हैं, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। असीम अरुण कन्नौज से जीत कर आए हैं, इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। बलिया से पहली बार विधायक बने दयाशंकर सिंह, और इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह के नाम की चर्चा हो रही है जिनको मंत्री बनाया जा सकता है मंत्रिमंडल में, इन नामों की एंट्री हो सकती है। तो ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई, बात अब पंजाब की भी कर लेते हैं। पंजाब में नई सरकार की तैयारी हो रही है। पंजाब की नई सरकार राजधानी चंडीगढ़ से ज्यादा गांव में दिखाई देगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता भगवंत मान ने यह इरादा जताया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मंत्री विधायक अफसरों को लेकर साथ लेकर लोगों की समस्याओं को गांव में जाएंगे, उनसे बात करेंगे और वहीं हल भी करेंगे। भगवंत मान ने आज नई सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के सामने अपना दावा पेश कर दिया है। सरकार पिंडां चो चलूगी, वार्डां चो चलूगी, मोहल्लियां चो चलूगी। उन्होंने दुख सुख के अफसरां नाल लेके जाओ, उन्होंने उत्थे फैसले हल करो। चंडीगढ़ घट तो घट रहना, उत्थे जाके काम करने हैं जिथे जाके आपां वोटां मंगियां सी। पंजाब में शपथ ग्रहण से पहले ये है भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान का एजेंडा। उन्होंने शपथ ग्रहण से 4-5 दिन पहले ही अपनी भावी सरकार का एजेंडा सेट कर दिया है, जिसमें साफ कह दिया गया है कि पंजाब की नई सरकार राजधानी चंडीगढ़ से नहीं गांवों से चलेगी। विधायक और मंत्री अफसरों को लेकर पंजाब के गांवों में जाएंगे, गांवों में लोगों की समस्याओं को मौके पर ही हल किया जाएगा। पंजाब में कल ही भगवंत मान को आम आदमी पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। उसी बैठक में भगवंत मान ने अपना इरादा साफ कर दिया। सरकार पिंडां चो चलूगी, वार्डां चो चलूगी, मोहल्लियां चो चलूगी। जाके बैठो, 4-4, 5-5 पिंड दा कट करो, बैठो, बड़ा वधिया मंजा लगूगा। पुराने टाइम याद आऊ लोगों नूं कि अहीं आउंदे हुंदे सी पहलां, यार चाह पियो, लोगों नाल गल्लां करो, उन्हां दे दुख सुख उहदे अफसरां नाल लैके जाओ, उन्होंने उत्थे फैसले हल करो। नहीं जा सकते यार, तहसीलों कचहरियों जाके थक चुके ने, अक चुके ने, चिट्टियां दाड़ियां हो गई, जुत्तियां घस गई। इसकी प्रतीकात्मक शुरुआत 16 मार्च से होने जा रही है, जब पंजाब में पहली बार किसी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राजधानी की बजाय शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कला में होगा। भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में 12:30 बजे 16 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी। पूरे पंजाब से घर घर से लोग आएंगे और भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे और भगत सिंह के सपनों की आज़ादी को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता भगवंत मान आज चंडीगढ़ में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। इस बीच नई सरकार के शपथ से पहले ही पंजाब पुलिस ने पुराने मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा वापस ले ली है। पुराने मंत्रियों के पास से 15 से 20 सुरक्षा कर्मी वापस ले लिए गए हैं। यही नहीं, 122 VIP की सुरक्षा में भारी कटौती कर दी गई है। अपेक्षा है कि ऐसा सब करें, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। भगवंत मान वहाँ पे अच्छी सरकार चलाएं, पर ये बात का ध्यान रखें कि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी दबाव में कॉम्प्रोमाइज मत करें। बॉर्डर स्टेट है, हम ये किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। पंजाब में नई सरकार के जनता के द्वार जाने के ऐलान को लोग बहुत उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं। देखो जी, देखो नवी सरकार आई है, देखो जे तो कुछ कर लेंगे तो अगो भी आएंगे, जे नहीं कर लेंगे तो फिर जिदा कांग्रेसी गए ने काली गए उधर भी चले जाएंगे। फिर खुश होंगे जे करके दिखाएंगे, नहीं करके दिखाएंगे जिस तरह इन्हां नूं पलटी मारी है बाकियां नूं, इसे तरह इन्हां नूं पलटी मार देंगे। क्योंकि जेडे लोग है वो ते पिंडां दे विच गलियां विच वो समस्यावां ते उन्हां नूं ही पता हुंदियां ना, चंडीगढ़ बैठे कोठियां दे विच बैठिआं नूं नहीं पता लग सकदा। वैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है।
क्योंकि उसे चुनावी वादों को पूरा करना है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जनता का शुक्रिया अदा करने पंजाब आ रहे हैं। कल यानी 13 मार्च को अमृतसर में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे। ABP News आपको रखे आगे।